बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है थीसिस फ्रॉम ए टू जी, उसमें आज पार्ट 9 है जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट मेथड इन थीसिस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज मिलती रहें। मेथड हमारी रिसर्च का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम फर्दर अपना रिसर्च डिज़ाइन, सैंपल, इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर ये स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये सीखने की कि हम मेथड को में किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है मेंशन करते हैं, इंफॉर्मेशन का की प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस क्या होता है और उसमें इम्पोर्टेंट कौन से ऐसे इशूज़ हैं एपीए के जो हमें कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेटिंग इन एपीए 7 मेंशन चैप्टर नंबर एंड बीनीथ चैप्टर 2 मेंशन लेवल 1 हेडिंग ऑफ मेथड। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे चैप्टर 2 मेंशन करना है, चैप्टर -2। उसके बाद आपने मेथड की हेडिंग देनी है जो कि सेंटर है, बोल्ड फेस है, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है, इसका फॉन्ट साइज जो है वो 12 है, फॉन्ट इसका टाइम न्यू रोमन है एंड पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो हम ये फर्स्ट लेवल की हेडिंग देंगे और इसके अंदर डिजाइन की हेडिंग आती है, पार्टिसिपेंट की हेडिंग आती है, टेबल 1 की, फिगर की, मेजर्स और प्रोसीजर। ये लेवल 2 की हेडिंग्स हैं और जो मेजर्स के अंडर यानी इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर फर्दर स्केल्स आते हैं वो लेवल 3 की हेडिंग है। तो जो लेवल 2 की हेडिंग है, हेडिंग्स हैं 4 और ये टेबल और फिगर अगर आप ऐड करेंगे तो इनको मिला के 6, ये होंगी फ्लैश लेफ्ट, बोल्ड, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन यानी ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज आर कैप्स में आप देख सकते हैं, डी कैप्स में, और टाइम न्यू रोमन और फॉन्ट इसका साइज जो है वो 12 है एंड न्यू पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो ये सेकंड लेवल की, और अगर इसके अंदर कोई हेडिंग आती है थर्ड लेवल की तो अगर सेकंड लेवल की हेडिंग को आप जस्ट इटैलिसाइज कर देते हैं, इटैलिक्स में होती है, तो फिर आप उसको थर्ड लेवल की हेडिंग कंसिडर करेंगे। तो ये इसकी मेन हेडिंग्स हैं, ये अब आपको मैंने बताया, चैप्टर नंबर लिखें और उसके बाद इसके नीचे मैथड लिखें। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सम रिसर्चर्स डू नॉट मैंशन द हेडिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी मैंशन बीनीथ हेडिंग ऑफ मेथड। ये आप देख सकते हैं कि हमने मेथड के नीचे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, द प्रेजेंट स्टडी एम टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज ऑन अकल्चरेटिव स्ट्रेस ऑफ सोजनर्स इन यूके। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। कुछ रिसर्चर्स ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं मेथड के नीचे, कुछ रिसर्चर्स नहीं लिखते, वो डायरेक्टली यहाँ पे रिसर्च डिजाइन की हेडिंग दे देते हैं या हेडिंग दिए बगैर यहाँ से रिसर्च डिज़ाइन लिख देते हैं, या अगर रिसर्च डिज़ाइन भी नहीं लिखते तो यहाँ पे डायरेक्ट सैंपल या पार्टिसिपेंट की हेडिंग दे देते हैं और यहाँ पे सैंपल पार्टिसिपेंट की फर्स्ट लाइन पे रिसर्च डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हमने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बल्कि स्टडीज़ को रिव्यू करते हुए उनको देखने के बाद जो एक आइडियल मॉडल था, और एपीए 7 को भी रिव्यू करने के बाद जो एक आइडियल मॉडल था एपीए 7 के अकॉर्डिंगली एक रिसर्च के मेथड के चैप्टर का, वो आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहें स्किप कर सकते हैं, उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक आइडियल मॉडल है जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर प्रजेंट किया है। तो उसके बाद आप देखते हैं, सम रिसर्चर्स मेंशन सब हेडिंग ऑफ सैंपल पार्टिसिपेंट्स जस्ट बीनीथ द हेडिंग ऑफ मेथड विदाउट मेंशनिंग ऑब्जेक्टिव्स, बट दे मेंशन रिसर्च डिजाइन इन द स्टार्टिंग लाइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपल। मैंने आपको अभी जो बात बताई कि कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं यहाँ पे मेथड लिखते हैं, मेथड के बाद ये पार्टिसिपेंट या सैंपल, यहाँ पे पार्टिसिपेंट लिखते हैं और उसकी रिसर्च डिजाइन को मैंशन नहीं करते, और यहाँ पे लिखना भी हो तो इसकी फर्स्ट लाइन पे लिख देते हैं, पार्टिसिपेंट की फर्स्ट लाइन में के नीचे फर्स्ट लाइन पे, के द प्रेजेंट स्टडी वाज बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च डिजाइन इन द प्रेजेंट स्टडी एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉइज, वो आगे लिख के। तो ये जो पार्टिसिपेंट वाली हेडिंग है ये यहाँ पे लेके जाते हैं,
ये सारी ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च डिजाइन की जो इंफॉर्मेशन है कंप्रिहेंसिव ये इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हमने जो है एक आइडियल मॉडल यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करना था, तो हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप मेथड के नीचे ऑब्जेक्टिव्स लिखें, रिसर्च डिज़ाइन की हेडिंग दें, रिसर्च डिज़ाइन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, फिर आप पार्टिसिपेंट या सैंपल पे आ जाएं। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हेडिंग ऑफ सैंपल एंड पार्टिसिपेंट्स आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। APA 7 के मैनुअल में रिसर्च की कुछ एग्जाम्पल में सैंपल का वर्ड यूज़ किए हुए हैं, कुछ में पार्टिसिपेंट्स का, जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं तो कुछ जगह पे मैं यस का वर्ड यूज़ किया हुआ है, कुछ जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स का, तो आप यहाँ पे चाहे पार्टिसिपेंट्स लिखने चाहे चाहे सैंपल, चाहे यहाँ पे मैं यस लिख लें चाहे इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद हेडिंग ऑफ सैंपल एंड पार्टिसिपेंट्स ये आपको बता दिया, एड टेबल वन बीनीथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपल। ये जब ये पार्टिसिपेंट की आप करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल वन देते हैं और वो APA 7 के अकॉर्डिंगली फॉर्मेटेड होता है टेबल, और वो जो टेबल वन है उसमें आप ये अपनी कंप्लीट डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जब टेबल वन आपका मेथड में होगा फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स का, तो आपका रिजल्ट का चैप्टर टेबल टू से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद ये टेबल के अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लार्जेस्ट सैंपल्स कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड थ्रू सैंपल फ्लो चार्ट विच कैन बी आइदर इंक्लूडेड बीनीथ टेबल आर कैन बी गिवन इन अपेंडिक्स। ऑल APA रूल्स ऑफ टेबल एंड फिगर आर अप्लाइड। इसमें ये आप देख सकते हैं कुछ रिसर्चर्स जिनके सैंपल्स की फर्दर बहुत ज़्यादा डिवीजंस होती हैं और वो डिवीजंस बहुत मीनिंगफुल होती हैं, ख़ासकर आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, तो वो यहाँ पे मेंशन करते हैं सैम्पलिंग फ्लो चार्ट। उसमें ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1200, 600 यूनिवर्सिटी, 600 कॉलेज, 300 MSc, 300 BS, 300 MSc, 300 BS, बॉयज गर्ल्स। तो अगर आप समझते हैं आपकी जो सैंपल की डिवीजन है वो बहुत मीनिंगफुल है, वो यूज़ हो रही है, उसकी बेसिस पे कंपैरिजन हो रहे हैं जैसे हम मोस्टली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में करते हैं, तो आप ये सैम्पलिंग फ्लो चार्ट भी दे सकते हैं। इस ये फिगर है क्योंकि ये एक शेप बनी हुई है, फ्लो चार्ट है, तो इसको फिगर कहते हैं APA 7 में। और इसको फिगर टू मैंने इसलिए दिया है कि अगर आपके इंट्रोडक्शन में कोई फिगर भी ना हो तो एटलीस्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो होगा, तो उसका फिगर वन होगा तो इसका फिर फिगर टू होगा। तो ये अगर आप यहाँ पे इसके यहाँ पे भी दे सकते हैं सैम्पलिंग फ्लो चार्ट, और इसको एंड पे अपने थीसिस के एंड पे ले जाकर आप इसको अपेंडिक्स का पार्ट भी बना सकते हैं। अपेंडिक्स में इसको कैसे मेंशन करते हैं उस पर हमारी एक वीडियो अवेलेबल है, इसी जो है थीसिस फ्रॉम A to Z की सीरीज की जो लास्ट वीडियो है वो अपेंडिक्स पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे फ्लो चार्ट को किस तरह से अपेंडिक्स में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि हेडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजर्स आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, चाहे आप मेजर्स यूज कर लें चाहे इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर लें। उसके बाद इन द प्रोसीजर बिसाइड्स दैट डाटा कलेक्शन डायनामिक्स स्पेसिफिकली हाईलाइट एथिकल इश्यूज विच वर प्रेजेंटेड इन द रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कहते हैं प्रोसीजर इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ डाटा कलेक्शन, तो जब आप इसको लिखते हैं तो इसमें एथिकल इश्यूज जो भी आपने एड्रेस किए हैं स्पेसिफिकली उनको हाईलाइट करें। तो ये हमारा जो चैप्टर होगा मेथड का उसमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये उसमें लेवल ऑफ हेडिंग्स हैं, ये लेवल वन, इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, पार्टिसिपेंट्स, टेबल, अगर आपने फिगर इंक्लूड किया ये ऑप्शनल है, और मेजर्स और प्रोसीजर की हेडिंग लेवल टू की होगी। मेजर्स ये इंस्ट्रूमेंट के अंडर जो फिर फर्दर जितने आपके थ्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो लेवल थ्री की हेडिंग होगी। तो ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जो हम मेथड के चैप्टर में प्रेजेंट करेंगे। ये एक चेकलिस्ट है जिससे आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने मेथडोलॉजी को। चैप्टर नंबर आपने यहाँ पे प्लेस किया, यानी मेथड की हेडिंग दी, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेंशन किए, रिसर्च डिज़ाइन,
sample, table 1, sampling flow chart, if needed, if any, measures, procedure. ये 9 points हैं. और एक 10th ये है कि कुछ researchers procedure के नीचे again यहाँ पे procedure के अंदर यहाँ पे एक अलग heading देते हैं, ethical considerations. तो वो अगर ये आप 10th पे यहाँ पे end पे heading देना चाहें तो ethical considerations की heading दे देते हैं. लेकिन APA 7 में क्योंकि इस तरह से नहीं है, आपके procedure में ही आपने जो भी ethical principles follow किए हैं वो आपके प्रोसीजर में मेंशन किए जाते हैं, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते. तो ये आपकी मेथडोलॉजी का एक आइडियल मॉडल होगा, स्ट्रक्चर होगा जब आप अपना मेथड लिखेंगे. होप सो आपको इससे फायदा होगा. इसको आप एक बार प्रॉपर फॉलो करके देखें तो आपके जो एंड आउटकम होगा, यानी जो आपका मेथड का चैप्टर होगा, वो आप देखेंगे कि बिल्कुल रिसर्च के मेरिट्स पे भी और APA के मेरिट्स पे भी परफेक्ट है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.